एक तरफ मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, हारे जीते प्रत्याशियों से फीडबैक लिए जा रहे हैं और अब कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में लगातार होती कांग्रेस की हार और घटते वोट प्रतिशत के बीच अब कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत क्षेत्रीय नेतृत्व रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में गड़बड़ाए क्षेत्रीय संतुलन और नेतृत्व ने पाची को लगातार कमजोर कर दिया है। ऐसे में अब पाची को एक बार फिर मजबूत करने की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े स्तर पर परिवर्तन की तैयारी है। संगठन की मजबूती में जुटी कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। चुनाव प्रत्याशियों से लिखित फीडबैक मांगे जा रहे हैं। नए सुझाव, नए आइडिया से संगठन को मजबूत करने की तैयारी हो रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का ये भी कहना है कि अगले 10 से 15 दिन में एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी। बैठक लगभग 12-13 घंटा चली है और बहुत सारे नए सुझाव, नए आइडियाज आए हैं सामने और उनके ऊपर आज जो भी सुझाव आए हैं कल उनको आज हम एक एक्शन प्लान बनाकर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उभरेगी। कार्यकारिणी का हम एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको हमने शुरू कर दिया है और सभी जिस तरह से प्रक्रिया के अंदर हर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग रीजन्स हैं, वहाँ से हम लोगों को नाम आते हैं, वहाँ से उनके ऊपर मंथन होता है, फिर उसके बाद होती है। तो ये प्रक्रिया जारी है और मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। कांग्रेस के नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामों पर मंथन भी किया जा रहा है। वैसे तो कांग्रेस का कहना है कि नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस एमपी में जनता की आवाज बनेगी, लेकिन बीजेपी ने तो कांग्रेस के कार्यकारिणी गठन पर सवालिया निशान लगा दिए। बिल्कुल अच्छी बात है, हम तो स्वयं चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहेगा तो कुछ सार्थक मुद्दे उठाएगा, अन्यथा अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सबका बौद्धिक दीपावलियापन सामने आ रहा है। सीटें तो उसकी है नहीं और यदि कोई ऐसे सार्थक मुद्दे भी नहीं उठा पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस की भूमिका बहुत नगण्य सी नजर आ रही है। हार पर समीक्षा भी कर रहे हैं? बिल्कुल करते रहना चाहिए, अब तो निरंतर उनकी हार ही होना है तो हार पर ही चर्चा करते रहना चाहिए उनको। राज्य की सियासत पर गौर करें तो कांग्रेस में क्षेत्रीय शत्रुओं का बोलबाला रहा है। अपने अपने इलाकों में नेता पाची के साथ अपने समर्थकों को मजबूत करने की मुहिम में लगे रहते थे। धीरे धीरे नेतृत्व लगातार कमजोर होता गया और जनता पर प्रभाव भी। ऐसे में अब नई कार्यकारिणी के गठन से कांग्रेस पाची को संजीवनी की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आकाश लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं अधिक जानकारी के लिए। आकाश, नई कार्यकारिणी का गठन और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या इस गठन के बाद संजीवनी मिल पाएगी कांग्रेस को? उम्मीद तो कांग्रेस पार्टी यही कर रही है कोमल, लेकिन नई कार्यकारिणी में किन नेताओं को जगह दी जाती है देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके पहले जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, कार्यकारिणी इतनी लंबी हुई कि 2000 के आसपास सदस्य उसमें शामिल थे और इसका अब विरोध भी कई बैठकों में देखने को मिला। अब नई टीम कांग्रेस पार्टी की है, नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष की टीम अब तक 6 महीने बीत जाने के बाद भी तैयार नहीं हुई है। ऐसे में भंवर जितेंद्र सिंह का यह बयान बताता है कि 10-15 दिन के भीतर अगर नई कार्यकारिणी की घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस को मजबूती थोड़े बहुत जरूर मिलेगी और ये नेता अपने क्षेत्र में एक्टिव होकर कामकाज करेंगे। लेकिन कई गुट और खेमों को लेकर जो चर्चाएं रहती हैं उनमें किसको कितनी तवज्जो दी जाती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जंबो कार्यकारिणी का विरोध है तो कार्यकारिणी छोटी होगी और छोटी कार्यकारिणी में किन नेताओं को जगह दी जानी है ये तय कर पाना एक चुनौती हो सकती है। और यही वजह है कि भंवर जितेंद्र सिंह भी ये कह रहे हैं कि अभी जो प्रोसेस है वो चल रही है और कई जो नाम आते हैं उन नामों पर मंथन चल रहा है। और इस बयान के बाद ये देखना होगा कि कितनी जल्दी कांग्रेस अपनी नई टीम का गठन मध्य प्रदेश में कर पाती है। निश्चित तौर पर आकाश, शुक्रिया ये महत्वपूर्ण तथ्य हमसे साझा करने के लिए।